Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the second session of week 5. So this is our 10th session of letter course offered by Antonex. Hamara jo aaj ka agenda hai usme hum discuss karenge REST APIs ke sath hum kaam kaise karte hain, and then we'll be creating some mock REST APIs. Kal jo last session tha usme humne Firebase pe mostly kaam kiya tha ki aap Firebase से कैसे डेटा एक्सचेंज करते हैं, जो CRUD ऑपरेशंस थे बेसिक वो हमने डिस्कस किए थे, एंड नाउ इन टुडेस सेशन वी विल बी वर्किंग विद अ कस्टम डेटाबेस एंड कस्टम्स बैकएंड सॉरी. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम Firebase के बजाय हम कस्टम बैकएंड क्यों यूज करें. सही है, हम अपना कस्टम बैकएंड क्यों बनाएंगे. तो उसमें आपके पास मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. अगर आपने कोई स्मॉल एप्लीकेशन बनाना है, छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है, या जस्ट एक MVP है और जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए है, सो देन यू शुड गो अहेड विद Firebase. सही है, अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा है कि काफी बड़ा एप्लीकेशन है और उसमें काफी ज्यादा यूजर्स हैं, सो लाइक फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन Firebase हम अक्सर लोग यूज करते हैं, बट टू बी हॉनेस्ट दैट्स नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि Firebase की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर आप अपना कस्टम बैकएंड सेटअप करते हैं. और उसमें और भी बहुत सारी बातें आती हैं कि Firebase के जो क्वेरीज हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है. सो अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि उसमें क्वेरिंग डेटा क्वेरी करना और ये सारा सेटअप काफी ज्यादा है, so then Firebase is not a good option for that. So that's why then we can go ahead to the custom backend और उसमें अपना backend server setup कर सकते हैं. आप उसमें फिर आप चाहे MongoDB use करें या आप SQL basis जो databases हैं वो use करें. सही है, आप कोई भी architecture अपना बना के उसको setup करके use कर सकते हैं. सही है, अब architecture बनाना, उसको setup करना, जो custom backend है वो एज अ फ्रंट एंड मोबाइल डेवलपर हमारा काम नहीं है, वो एक कस्टम जो बैकएंड डेवलपर होता है उसका काम होता है. सो वी वोंट बी डिस्कसिंग द बैकएंड थिंग्स ओवर हियर राइट नाउ. सही है, हम जस्ट ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक कस्टम बैकएंड एक बैकएंड डेवलपर ने बनाया हुआ है और वो हमें REST APIs प्रोवाइड करता है, एंड हाउ कैन वी एक्सेस डेटा और हाउ कैन वी एक्सचेंज डेटा डू CRUD ऑपरेशंस यूजिंग दोस REST APIs. सही है, सो हमारा जो मेन सेशन का जो आज मकसद होगा वो ये चीजें डिस्कस करनी है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट REST APIs एंड ऑल दोस थिंग्स, सो देयर इज अ वेरी गुड टूल जो कि हम यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम अहेड ओवर देयर और उस टूल पे थोड़ा सा दो तीन बातें उस पे करते हैं. सही है, थोड़ी सी डिस्कशन उस पे करते हैं, दैट्स पोस्टमैन. सही है, अब पोस्टमैन हमारे पास जो यूज होता है मोस्टली जब हम जो एक बैकएंड डेवलपर होता है वो आपका कस्टम बैकएंड बना रहा होता है. सही है, सो वो पोस्टमैन यूज करता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, कि वो जो APIs बना रहा है, APIs डेवलपमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम पोस्टमैन यूज करते हैं जो बैकएंड डेवलपर होता है. सही है, और देन वो पोस्टमैन का एक्सेस जो है ना वो जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको दे देता है या उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देता है. सो देन जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो उसको यूज कर सकता है. सो नाउ अब हम आते हैं कि पोस्टमैन हमारे पास उसका जो मेन पर्पस क्या है. पोस्टमैन एक्चुअली हम यूज कर सकते हैं APIs टेस्ट करने के लिए, कि हमारे पास जो REST APIs हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास डेटा फॉर्मेट मतलब डेटा रिस्पांस हमारे पास क्या आ रहा है और वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं. अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी है और आपको जस्ट एक REST APIs प्रोवाइड की जा रही है, सो देन अगर आपका जस्ट गेट रिक्वेस्ट है तो आप उसको यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं. सही है, सो हम जब भी REST APIs के साथ काम करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको टेस्ट करते हैं यहाँ पर पोस्टमैन में, एंड देन वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम इनटू आवर एप्लीकेशंस. सो पोस्टमैन का जो मेन पर्पस है वो ये है. अभी आपको जस्ट फॉर so that's REST API. एक हमारे पास एक REST API के end point है. इसको let's suppose हम test करते हैं postman में. सही है, so REST APIs मासल में क्या होता है, REST APIs में आपको एक URL provide किया जाता है, एक end point आपको provide किया जाता है. सही है, backend developer की तरफ से. सही है, so ये एक end point मुझे ये हमारे पास base URL है. let's suppose ये आप कह सकते हैं कि आपका website का जो main URL है वो है. सही है, एंड देन वो आपको एक एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स.
स्टूडेंट्स स्लैश मतलब आपको जो मेन बेस यूआरएल है स्लैश स्टूडेंट्स पे आप स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सही है। सो इसको इसकी पूरी डेवलपमेंट इसकी डिजाइनिंग ये हमारा काम नहीं है, ये बैकएंड डेवलपर का काम है। सो जैसे हमें एक यूआरएल प्रोवाइड करेगा और उस यूआरएल पे हमने एक रिक्वेस्ट करनी है, सही है। अब REST API आपके पास हमारे पास ये एक्चुअली एक HTTP रिक्वेस्ट ही है, सही है। सो HTTP रिक्वेस्ट में हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं। एक हमारे पास है गेट पोस्ट पुट पुट सॉरी गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट, जो कि हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, बाकी भी हैं लेकिन उसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। सो गेट जो एक्चुअल है, गेट रिक्वेस्ट हम डेटा गेट करने के लिए यूज करते हैं, सही है। डेटा किसी बैकएंड सर्वर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड किया जाए। एंड देन पोस्ट रिक्वेस्ट जो है हम डेटा पोस्ट करने के लिए यूज करते हैं मोस्टली, एंड पुट जो हम मोस्टली यूज करते हैं या तो हम सिक्योर डेटा है वो पुट करना चाहते हैं डेटाबेस में, और उसके अलावा जो है ना जो दूसरा पर्पज है वो एडिटिंग के लिए पर्पज के लिए भी यूज होता है कि हमने डेटा को अपडेट करना है कि खास टेबल हमने अपडेट करना है, सो उसके लिए भी हम पुट यूज करते हैं। एंड देन डिलीट फॉर डिलीटिंग एन एंट्री इन द डेटाबेस, सही है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है इसको हम यूज करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स में हमारे पास लेट्स सपोज हम एक गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं राइट नाउ, सही है। ये यूआरएल है, इस पे हम अभी राइट नाउ गेट रिक्वेस्ट करेंगे। सो व्हेन आई डू दिस रिक्वेस्ट सो आई गेट अ रिस्पांस ओवर हियर, सो ये रिस्पांस मुझे मिल रहा है, सही है। जब मैंने ये रिक्वेस्ट किया है बैकएंड सर्वर पे, सो उसने मुझे ये डेटा प्रोवाइड किया है, सही है। ये स्टूडेंट डेटा है, सही। ये जिस स्टूडेंट आईडी ये देखें, और ये जो जिस टाइम पे क्रिएट हुआ था उसका टाइम स्टैम्प है, एंड देन यूजर नेम, एंड देन उसका एवटार। सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सम टेस्ट डेटा वी आर गेटिंग फ्रॉम अ बैकएंड, सही, जो कि हमारे पास ये इस यूआरएल पे एक्सेसिबल है। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपके पास आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, जस्ट बैकएंड का आपको नॉलेज नहीं है और आपने जस्ट टेस्टिंग करनी है कि मैं REST API के साथ काम कैसे कर सकता हूँ। सो उसके लिए वी डू हैव अ टूल टू सजेस्ट, सही है, जो कि अभी हम इस सेशन में यूज भी करेंगे और राइट नाउ उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, सही। सो आप जो है ना मॉक API का एक टूल है, मॉक API, आप जस्ट जा सकते हैं mockapi.io और उस पर जाके अपना एक प्रोजेक्ट बना के काम कर सकते हैं, सही है। मैं आता हूँ दोबारा से मॉक API पे। यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट कनेक्ट के नाम से, जिसमें अभी हम स्टूडेंट कनेक्ट का डेटा यूज करेंगे। सो यू हैव दी स्टूडेंट्स ऑफ फ्री प्लान, सही है। सो असल में ये फ्री प्लान पे है, सो इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड करेगा अभी राइट नाउ हमें, सही है। सो यहाँ पर मैं एक ऐप बनाता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट कनेक्ट के नाम से, सही। ये किसी हद तक फ्री है, बाकी अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाना है उसके लिए पेड अकाउंट चाहिए होगा आपको। So this is a student connect, and then right now यहाँ पर हम एक resource create कर सकते हैं, सही है। resource मतलब आप एक table बना सकते हैं या जिस तरह हम Firebase में collection बनाया था, सही है। यहाँ पर मैं एक resource बना रहा हूँ museums के नाम से, सही, museums, और museums में क्या होगा उसकी ID होगी, सही है। created ad की जरूरत नहीं है, just name है। So name में हमारे पास आ जाएगा इसको हम करते हैं लास्ट नेम फर्स्ट नेम नहीं, इसको हम कर देते हैं कॉमन फाइल नेम कॉमन फाइल एक्सटेंशन। ओके, जस्ट हमारे पास एक फुल नेम, ये हमें faker.js हमें ये एक फैक फुल नेम प्रोवाइड करेगा, सही है। एवटार है, सो इस एवटार को हम चेंज करके हमारे पास है इमेज यूआरएल था, उसको इमेज यूआरएल कर देते हैं क्योंकि यही सेम डाटा हमने यहाँ पर मॉक करना है, एड्रेस इमेज यूआरएल एंड नेम। सो यहाँ पर हमारे पास नेम है, इमेज यूआरएल एंड एड्रेस, एड्रेस को भी मैं फैक कर देता हूँ फेकर, एंड ये हमें प्रोवाइड कर देगा स्ट्रीट एड्रेस सेकेंडरी एड्रेस। जिप कोड आई थिंक सिटी इज एनफ, सही। सो ये अभी ये तीन फील्ड्स हमें ये अभी प्रोवाइड करेगा डेटा में, सही है। सो लेट्स जस्ट क्रिएट इट, सही। सो अभी हमारे पास यहाँ पर अभी हमने म्यूजियम्स का एक कलेक्शन
आप समझ सकते हैं कि एक टेबल टाइप हमने बना दिया है यहाँ पर, सही है। इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जस्ट 10 फील्ड्स हो, सही है। सो राइट नाउ अगर आप लोग देख लें, इसमें हमारे पास कितना डेटा है, 10 डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये देखें, सही है। ये हमें इमेज यू आर एल भी प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें एड्रेस भी प्रोवाइड कर रहा है, सही है। सो दिस इज जस्ट जस्ट अ मॉक डेटा इट इज प्रोवाइडेड, सही है। सो राइट नाउ अभी हमने करना क्या है, अच्छा अभी हमने अगर देखना है कि हमारे पास रेस्ट केस कहाँ कहाँ पर है। सो ये एक तो हमारे पास इसका बेस यू आर एल है, सही है। बेस यू आर एल जो है ना इसका, ये वाला यू आर एल जो है इसको हम बेस यू आर एल बोलते हैं, सही है। इसका जो मेन यू आर एल है, ये यू आर एल है, सही है। अब इसमें हमारे पास दूसरे एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट, सही है। गेट रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास जो एंड पॉइंट है, म्यूजियम्स लिस्ट अगर आपको चाहिए, सो दिस इज स्लैश म्यूजियम्स, तो ये आपको लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स प्रोवाइड करेगा, सही है। अगर आपने स्पेसिफिक म्यूजियम देखना है या स्पेसिफिक म्यूजियम का डेटा आपको चाहिए, सो म्यूजियम स्लैश आईडी, सो आपने यहाँ पर इसके जो म्यूजियम की आईडी है वो देनी है, सो आपको स्पेसिफिक म्यूजियम की आईडी प्रोवाइड कर देगा। पोस्ट है, सो पोस्ट में हमारे पास क्या होता है, हम जस्ट डेटा सेंड करते हैं, सही है। सो म्यूजियम का डेटा अगर आपने यहाँ पर सेंड, अभी राइट नाउ हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, अगर हम वहां से एक पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे, सही। पुट है, सो पुट आपको मैंने बता दिया था कि पुट रिक्वेस्ट हम यूज करते हैं डेटा अपडेट करने के लिए, सही है। सो हम क्या करते हैं, म्यूजियम स्लैश आई डी, तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एक जो म्यूजियम है उसको हमने अपडेट करना है, सो उसके लिए हम पुट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। And then delete request is only for deleting a specific museum entry, सही है? Museum slash और यहाँ पर हम museum की ID दे देते हैं, सही है? Let's suppose अगर हमने delete करनी है, हम यहाँ पर देख लें data, let's suppose हमने delete करना है ये वाली entry, सही है? So इसकी ID क्या है? ID number 3, so हम request कैसे करेंगे? Delete slash museum slash delete request होगा एक, सही है? डिलीट रिक्वेस्ट होगा एंड म्यूजियम स्लैश उसकी आईडी हम देंगे, सो यहाँ से हमारे पास एक आइटम डिलीट हो जाएगा, सही। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ से, हम बेस यूआरएल उठाते हैं, ये हमारे पास ये बेस यूआरएल है, सही है। एंड यहाँ पर अभी हम एंड पॉइंट्स देंगे, ये हमारा हो गया है बेस यूआरएल, सही। सो हम आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं कि पोस्टमैन में हमने इसके साथ काम कैसे करना है, सही। सो ये हमारे पास बेस यूआरएल है स्लैश, बेस यूआरएल के बाद हमने क्या करना है, लेट्स सपोज आपने अपने कुछ एनवायरमेंट्स बना, चले उस एनवायरमेंट्स की तरफ नहीं जाते हैं, वो काफी लंबा हो जाएगा। अच्छा और यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा गेट करना है, सो मैं देखता हूँ कि कौन सा रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है एंड स्लैश म्यूजियम्स। सो यहाँ पर हम आते हैं ये स्लैश म्यूजियम्स और यहाँ से गेट रिक्वेस्ट है, सही है। अभी जब मैं गेट रिक्वेस्ट में करूंगा ये तो पुराना डेटा है, सही है। अभी दोबारा से जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, ये मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा म्यूजियम्स का, जो कि वहां पर एक लिस्ट बनी हुई है, सही है। ये देखें, ये हमारे पास ने म्यूजियम्स का एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, ये देखें, सही है। अभी हमने करना क्या है, लेट सपोज मैंने अपडेट करना है या डिलीट करना है, मैं मुझे एक स्पेसिफिक म्यूजियम चाहिए, सही है। लेट्स सपोज आईडी नंबर 3 पे जो म्यूजियम है वो मुझे चाहिए, सो मैं क्या करूंगा, स्लैश म्यूजियम स्लैश आईडी, सो उसकी आईडी भी हम यहाँ पर दे देते हैं, सही है। लेट्स सपोज मुझे आईडी नंबर 3 का जो म्यूजियम है वो चाहिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सो ये देखें आप, ये मुझे आईडी नंबर 3 पे जो म्यूजियम है उसका डेटा प्रोवाइड कर रहा है, सही है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू this request as well. अभी हमारे पास post request है, so post request पे क्या होता है, just हमें एक नया element हमारे पास बन जाएगा, सही है। Let's suppose ये data है, इसको मैं copy करता हूँ यहाँ से, सही है। अब let's suppose मैंने करनी है एक post request, सही है। Museums पे मैंने एक post request करनी है, so उसमें हमारे पास body भी, body का section भी होता है, सही है। अब body का section में हमारे पास क्या है, body का section हमारे पास ये, सॉरी बॉडी का सेक्शन हमने फॉर्मेट कौन सा रखना है, डेटा का हमने रखना है रॉ फॉर्मेट, सही है। रॉ फॉर्मेट हमारे पास मतलब रॉ जेएसएन फॉर्मेट होता है, सही। इसको मैं आईडी देता हूँ आईडी नंबर 12, इसको मैं आईडी देता ही नहीं हूँ। यहाँ पर मैं एक आइटम बनाता हूँ, लेट्स सपोज हम करते हैं पेशावर म्यूजियम, आई डोंट नो कि ये डेटा वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, बट जब आप नॉर्मल डेटाबेस को करते हैं ना, सो वो आपसे डेटा एक्सेप्ट भी करता है, बट यहाँ पर आई डोंट नो कि ये अब डेटा एक्सेप्ट करेगा वहां पर नहीं,
But anyhow, this is how we can do it. Jail Road, Peshawar. अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर URL उसका मेंशन करते हैं, साथ में हम उसको डेटा भी देते हैं, सही है? सो बॉडी में हम उसका डेटा देते हैं. अब हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं HTTP रिक्वेस्ट में. फॉर्म डेटा भी है, रॉ डेटा भी है, बाइनरी, ग्राफ, QL, उसके अलावा टेक्स्ट. अभी हम जो दे रहे हैं JSON फॉर्मेट में, सो यहाँ से JSON फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है? रॉ में हमारे पास कौन से फॉर्मेट्स हैं? XML है, HTML है, JSON है, JavaScript है, जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट है, सही है? सो अब रॉ में हम कौन सा फॉर्मेट दे रहे हैं? JSON फॉर्मेट. सो जब मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सो ये मुझे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया है, सही है? रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या आया है कि ये हमने जो वहाँ पे एक एंट्री क्रिएट की है, उसकी आईडी नंबर, उसको आईडी कौन सी मिली है, 11, और उसका डेटा मुझे वापस रिटर्न भी हुआ है. अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये डेटा हमारे पास आया है या नहीं. डेटा में हम चेक करते हैं, ओके, एक्चुअली इसको रीलोड करना पड़ेगा, सो देन वी कैन सी. अब यहाँ पर 10 थे पहले, अभी यहाँ पर हम देख लेंगे. सो यहाँ पर अभी हमारे पास 11 म्यूजियम्स होंगे, सही है? 11 म्यूजियम्स हैं. एंड देन अब यहाँ पर आईडी नंबर 11 पे देखें, पिशावर का जो हमने डेटा पोस्ट किया था यहाँ पर, वो डेटा भी यहाँ पर मौजूद है. सो दिस इज हाउ वी कैन डू अ पोस्ट रिक्वेस्ट. एंड देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, ओके, अच्छा, हमने गेट भी कर दिया है, पोस्ट भी कर दिया है, पुट अगर करना है, सो लेट्स सपोज पुट कर देते हैं. चलो एनी हाउ, जो पिशावर हमने पोस्ट किया था उसको हम दोबारा से उसका पुट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, सही है? उसके फील्ड में से हम कुछ चेंजेस करते हैं, इसको हम कर देते हैं पुट रिक्वेस्ट, सही है? सो दिस वाज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, सो दिस इज अ पुट रिक्वेस्ट नाउ, सही है? इसमें हम क्या करते हैं, उसका एड्रेस लेट्स सपोज हम चेंज करते हैं, जेल रोड, नियर पब्लिक लाइब्रेरी, सही है? सो अब ये क्या करेगा ये, और यहाँ पर हमने क्या मेंशन करना है, लेट्स सपोज अभी हमने पुट रिक्वेस्ट करनी है ना, तो पुट रिक्वेस्ट में हमने आईडी भी मेंशन करनी है, किस आईडी पे हमने जाके ये पुट रिक्वेस्ट करनी है, सही है? सो पिशावर म्यूजियम की आईडी कौन सी थी, वो 11 है. सो यहाँ पर हमने मेंशन कर देना कि हमने 11 नंबर आईडी नंबर 11 पे ये पुट रिक्वेस्ट करना है, सही है? अब ये देखें, ये हमारे पास अपडेट हो गया है. अब ये देखें, ये उसने रिस्पॉन्स भी दिया है. अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ना डेटा को, तो पिशावर म्यूजियम का जो डेटा था वो अपडेट हुआ होगा. अब ये देखें, उसका एड्रेस चेंज हो गया है आईडी नंबर 11 पर जो है, सही है? सो दिस इज हाउ वी कैन डू अ पुट रिक्वेस्ट. और पुट रिक्वेस्ट का मतलब हमारे पास, आई होप सो कि आपको समझ आ रही है. एंड देन हमारे पास डिलीट रिक्वेस्ट है, सो डिलीट भी हम यहाँ से कर सकते हैं, सही है? डिलीट में हमने जस्ट आईडी देनी है, एंड साथ यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा रिक्वेस्ट है, कौन सा रिक्वेस्ट है, सही है? यहाँ पर हम डिलीट, ये डेटा की यहाँ पर बॉडी की जरूरत भी नहीं है, बॉडी सेक्शन की डिलीट में, सही है? यहाँ पर हम देते हैं लेट्स सपोज आईडी नंबर 9 को हम डिलीट करते हैं, सही है? अभी लेट्स सपोज हम डेटा देखते हैं कि डेटा हमारे पास क्या है. अब ये देखें, इसमें राइट नाउ ये आईडी नंबर 9 मौजूद है, आईडी नंबर 9 पे जो आइटम है वो मौजूद है, सही है? सो हम यहाँ से एक डिलीट रिक्वेस्ट करते हैं. ये क्या किया है इसने, वो आइटम नंबर 9 पर जो डिलीट था, आइटम था, उसको डिलीट कर दिया है. अब हम यहाँ पर आके चेक करते हैं, इसको रीलोड करते हैं एंड इसका डेटा चेक करते हैं. अब यहाँ पर देखें आप लोग, 8 और 9 नंबर जो था वो डिलीट हो गया है, सही है? सो दिस इज हाउ वी कैन डू ऑल दीज रिक्वेस्ट फ्रॉम पोस्टमैन. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो पोस्टमैन से हो गया है कि पोस्टमैन से हम ये रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, ये सारे रिक्वेस्ट जितने भी हैं ये हम करेंगे पोस्टमैन से नहीं, बल्कि हम डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन से ये सारे रिक्वेस्ट करेंगे, सही? सो सारे तो नहीं करेंगे, उसमें जस्ट 2-3 कर देंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने वहां से पुट और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करनी है. ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स दैट टॉपिक, ओके, अब डार्ट की तरफ हम आते हैं, फ्लटर की तरफ हम आते हैं. सो उसके लिए हमारे पास HTTP जो रिक्वेस्ट है, ये जो REST APIs
रेस्ट एपीएल की रिक्वेस्ट हमारे पास क्या जस्ट नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, सही है, एक खास यूआरएल पे हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब एचटीटीपी के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स यूज होते हैं डार्ट में, सही है, फ्लटर में। सो एंड डायो इज वन ऑफ देम, सही है, हम डायो यूज करेंगे। हमें क्या यूज करना है, डायो। आपने pub.dev पे जाना है, pub.dev, यहां से हम डायो डायो सर्च करें, आपके पास ये डायो आ जाएगा, सही है। सो इसके डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं कि यार ये क्या है, पावरफुल HTTP क्लाइंट फॉर डार्ट, वी सपोर्ट इंटरसेप्टर्स, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट कैंसिलेशन, फाइल डाउनलोडिंग, टाइम आउट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, सही है। सो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर हैं इसमें जो कि काफी यूजफुल है। बट जो इंटरसेप्टर्स हैं और वो जो कुछ एडवांस की चीजें हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑल दोस थिंग्स, वो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। बट राइट नाउ हम जस्ट सिंपल यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, डेटा उठाएंगे एंड देन उस डेटा को हम प्रिंट करेंगे किसी खास फॉर्मेट में या उसको हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक। अब यहाँ पर हमने ये डेटाबेस सर्विसेज का एक फाइल बनाया था, सही है, जिसमें हमारे पास ये सारे रिक्वेस्ट मौजूद हैं, गेट म्यूजियम्स डेटा एंड एड म्यूजियम्स डेटा, सही है। इसको हम चेंज करके उसको हम फायरबेस डेटाबेस सर्विसेज का नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें हम मोस्टली काम कर रहे हैं फायरबेस के साथ, सही है। सो इसको हम कर देते हैं फायरबेस डेटाबेस सर्विसेज, सही। और हम एक और यहाँ पे एक और सर्विस बना देते हैं, इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं, ओके। इसी फाइल को हम दोबारा से कर देते हैं, इसको मैं नाम देता हूं कस्टम डेटाबेस सर्विस, सही है। एंड इसको मैं चेंज कर देता हूं कस्टम डेटाबेस, और इससे हम ये रिमूव कर देंगे, सही है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्रिएट अकाउंट की भी राइट नाउ हमें जस्ट जरूरत नहीं, हम जस्ट ये दो तीन फंक्शन है ये यूज करेंगे, ओके। इसकी तरफ आते हैं, इसको यूज करेंगे, सही है। एड म्यूजियम, गेट म्यूजियम, ये सारा कुछ, ये सारा सेटअप अभी हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, बाकी कोड हमारा चेंज नहीं होगा, जितना भी कोड है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, जस्ट हमने ये थोड़ा सा एक फाइल हमने चेंज कर दिया है, सही है, ओके। अभी जो डेटा फायरबेस से आ रहा है, अब फायरबेस की बजाय इसको, इस डेटा को हम उठाएंगे कहाँ से, हम यहाँ से ये डेटा उठाएंगे मॉक एपीआई से, मॉक एपीआई सर्विस जो है, ये मॉक एपीआई का जो डेटा है, यहाँ से हम ये डेटा उठाएंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और क्लास बना देंगे, एपीआई सर्विसेज के नाम से, एपीआई सर्विसेज, ये इसको हम कर देते हैं, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एंड पॉइंट्स, जिसका जो बेहतर लोकेशन है, जो सबसे बेस्ट लोकेशन है, वो हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स के अंदर, एंड कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास सारे कॉन्स्टेंट्स फाइल रहेगी ना, सो इसका जो बेहतर लोकेशन है वो ये वाला है, इसको हम कर देते हैं एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, सही। यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं एंड पॉइंट्स, सही, उसमें हम स्टैटिक फील्ड डाल देंगे, सही, स्टैटिक एक तो हम यहां पर कर देंगे बेस यूआरएल, सही है, बेस यूआरएल इक्वल्स टू, इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हमने ये बेस यूआरएल डाल देना है, सही, ये हमारे पास क्या है, ये बेस यूआरएल है, एक स्ट्रिंग बेस यूआरएल का फंक्शन हमने, एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पर बना दिया, स्टेटिक
ये हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा, सही है, इसको हमने चेंज नहीं करना। सो दिस इज अ बेस यू आर एल, एंड देन इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक और एंड पॉइंट बनाते हैं डॉट गेट म्यूजियम, या इसको हम जब जस्ट कर देते हैं म्यूजियम, सही। एंड म्यूजियम में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं म्यूजियम्स को का डेटा एक्सेस करने के लिए हमारे पास कौन सा यूआरएल है, कौन सा एंड पॉइंट है, ये वाला, सही। तो इसमें हम ये एंड पॉइंट डाल देते हैं। ओके, सो एक हमारे पास बेस यूआरएल है, दूसरा हमारे पास जो है ना एंड पॉइंट है। अच्छा, अभी तक हम ये डेटा एक्सेस कर रहे थे गेट म्यूजियम डेटा, ये फंक्शन है, इसमें हमारे पास म्यूजियम लिस्ट है। हम एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा में हमारे पास एक और भी आइटम है आईडी का, सही है। तो दैट्स व्हाई हम म्यूजियम्स में आते हैं, एंड यहाँ पर हम एक आईडी का ऑब्जेक्ट आईडी का आइटम यूज कर रहे हैं, सही है। इसको हम कर देते हैं इंट आईडी, इंटीजर आईडी एंड डॉट आईडी, दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू जेसॉन ID, जिसको ये JSON फॉर्मेट जो हमने बनाया हुआ है, इसकी समझ नहीं आ रही, उसको ये नहीं पता कि हमने ये क्यों बनाया है। सो आई वुड सजेस्ट फॉर देम टू जस्ट गो अहेड, एंड देन जो हमारा लास्ट सेशन की वीडियो है उसको एक बार देखना है, तो उसको इसकी समझ आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे डायो का एक ऑब्जेक्ट, सही। जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिंपली आप लोग देख सकते हैं जस्ट एक सिंपल डायो रिक्वेस्ट है, सही है। डायो से हम डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं डायो के थ्रू, डायो डॉट गेट, सही है। सो हम सेम एग्जैक्टली हमने भी यहाँ पर सेम एग्जैक्टली ही करना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, हम डायो का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना देंगे, फाइनल डायो इक्वल्स टू, Yes. Final dio equals to dio का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है यहाँ पर, सही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने डायो का प्लगइन ऐड कर देना है, डायो का प्लगइन हमने ऐड नहीं किया। सो यहाँ से इंस्टॉलिंग में आकर यहाँ से हम एक डायो का ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। सो कमिंग टूवर्ड्स हियर एंड देन वी कैन ऐड अ डायो ओवर हियर, ओके, एंड देन पबगेट। सो ये जब पबगेट हो जाएगा, and then we can just import it over here. Okay, so it has been added. यहाँ से हम import कर दिया है, सही है। So डायो का ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर एक डायो का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, सही है। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, डायो डॉट गेट, सही। अब डायो डॉट गेट करने के बाद इसको हमने एक पाथ देना होता है, एक यू आर एल देना होता है, सही है। सो अब हमें यहाँ पर कौन सा यू आर एल चाहिए, यहाँ पर हमें किस यू आर एल पे जाके रिक्वेस्ट करनी है डेटा गेट करने के लिए, बेस यू आर एल स्लैश ये एंड पॉइंट, सही है। सो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे यहाँ पर बेस, ओके, यहाँ पर हमें यूज करना है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का जो हमने एक क्लास बनाया है, सही है, एंड पॉइंट डॉट बेस यू आर एल, एंड देन साथ में हमने क्या करना है, जो एंड पॉइंट है वो लगा देना है, सही है। डॉट एंड पॉइंट डॉट म्यूजियम्स, एंड पॉइंट endpoints dot museums, सही है। तो ये हमारे पास से वो URL बन जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास वो बेस URL हो गया है, एंड स्लैश हमारे पास ये कौन सा एंड पॉइंट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ना, एंड पॉइंट्स में है ये हमारे पास बेस URL और स्लैश, मतलब इससे हमारे पास जो टोटल URL बन जाएगा ना, इसको अगर दोनों का अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये URL एंड देन स्लैश क्या बन जाएगा, म्यूजियम्स, जो कि हमें वहां पर ये यू आर एल चाहिए डेटा गेट करने के लिए, सही है।
सो हमने जस्ट यहाँ पर वो URL बना दी है। ये जो एंड पॉइंट्स मैंने बनाया है ना, इस वजह से बनाया कि आपके पास यहाँ पर एंड पॉइंट्स सारे रहे जिसको आप स्ट्रेटिकली डायनेमिकली यहाँ से आप गेट कर सकें। क्योंकि हमारे पास ये जो करंट हम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम म्यूजियम्स का डेटा ले रहे हैं, जो हमारे पास एक्चुअल बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम आपके पास जो है ना मतलब हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं, सही है। तो अब उन सब सबको मैनेज करना, सबको याद रखना, अगर आपने सबको वहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रिंग में इंटीग्रेट करना है, सो दैट्स अ बिट डिफिकल्ट टू मैनेज लेटर ऑन, क्योंकि एक एक फाइल के अंदर जाके आपने उसको चेंज करना होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ डेडिकेटेड क्लास फॉर दैट। एंड पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर सारे हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा एक रिस्पॉन्स, सही है। अब रिस्पॉन्स में हमने क्या देखना है, अब रिस्पॉन्स का आप लोग अगर यहाँ पर देख लेना, आपके पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है 200, सही है। सो जब आपके पास रिस्पॉन्स 200 आता है, सो मतलब वो आपके पास वो ओके रिस्पॉन्स होता है। ओके ओके रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि मतलब आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है, उसमें कोई मसला नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, सही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड होता है, सही। सो ये हमें ये डायोड और गेट जो है ये हमें क्या रिटर्न करता है, हमें एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, सही है। इसको हमें एसिंक्रोनस बनाना है, यहाँ पर हमने अवेट भी लगाना है क्योंकि ये एसिंक्रोनस है, फ्यूचर में जाके हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, सही। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे एफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200। सो इसका मतलब क्या है, ये जब अगर ये इक्वल टू 200 इसका मतलब सक्सेसफुल था हमारा रिक्वेस्ट, सही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जस्ट फॉर नाउ हम जहां पर जस्ट जो डेटा था उसको हम प्रिंट करते हैं, सही है। डॉलर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो हमारे पास डेटा आए हुए ना उसको हम जस्ट प्रिंट करते हैं यहाँ पर, और बाकी ये जो चीजें हैं इसको हम कमेंट आउट करते हैं, सही है। एंड यहाँ पर एंड पॉइंट्स को भी क्लोज करते हैं, एग्जीबिशन टाइल डेटाबेस सर्विसेज कस्टम डेटाबेस फायरबेस को क्लोज कर देते हैं। एंड देन होम स्क्रीन पे हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, डेटाबेस सर्विसेज में हमने क्या यूज किया था, फायरबेस डेटाबेस सर्विसेज यूज किया था ना, इसको जैसा हम चेंज करके कस्टम डेटाबेस सर्विसेज कर देंगे, सही है। तो कस्टम डेटाबेस सर्विसेज कर दिया है, बाकी नीचे चेंजेस की जरूरत ही नहीं है, सही है, क्योंकि गेट डेटा का फंक्शन वही है, ये डेटाबेस सर्विस डॉट गेट म्यूजियम से, यही इसी म्यूजियम से डेटा उठा रहा है, सही है। इसमें एक और भी चीज है हम कर सकते हैं बेहतरी के लिए, बट राइट नाउ उसको हम नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उससे, सो दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग दैट फॉर नाउ। सो ये जस्ट म्यूजियम्स का लिस्ट ले रहा है एंड देन यहाँ पर हमारा वो डेटा पॉपुलेट हो रहा है, बट राइट नाउ कस्टम डेटाबेस से जो हमारे पास ये डेटा हम वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जस्ट डेटा को यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई लेट्स गो अहेड एंड रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन, कम ऑन। ओके सो लेट्स रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन कि हमारा ये जो फाइल है ये दोबारा से ये रीरन हो जाए, ये जो स्क्रीन है ये हमारे पास रीलोड हो जाए, एंड व्हेन इट्स रीलोड इट ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट फॉर द डेटा, सो इट्स रिक्वेस्टेड फॉर द डेटा एंड देन यहाँ पर हम रन में हमारा आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो रिस्पॉन्स है, जो डेटा आया हुआ है ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो इसमें हमारे पास ये डेटा ये देखें ये प्रिंट हो रहा है, तो ये डेटा हमें रिस्पॉन्स में मिला है, सही। सो अब हमने क्या करना है, इस डेटा को उठा के यहाँ पर हमने पॉपुलेट करना है, सही। सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा एंड डेटा के अंदर हमारे पास ये अरे है, एक अरे ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है। ओके सो हम क्या करेंगे, अब इस डेटा को हम मैप करेंगे एक नॉर्मल उसमें, ओके सो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर एंड देन हमारे पास वो आ गया है डेटा। सो हमने करना क्या है, यहां पर हम उठा देंगे डॉक रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा से हम एक एक डॉक्यूमेंट उठा रहे हैं, मतलब एक एक जेसॉन का जो एक ऑब्जेक्ट है वो उठा रहे हैं, सही है। यहाँ पर इसको मैं जस्ट जेसॉन ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, सही है। अब ये देखें हमारे पास एक अरे ऑफ डिफरेंट जेसॉन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये देखें एक ऑब्जेक्ट
यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा ऑब्जेक्ट, सही है? सो अरे फिर जेसन ऑब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई मैं इसको इटरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, एक एक ऑब्जेक्ट उसे उठा रहा हूँ और उसके मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जस्ट जेसन का नाम दे देता हूँ, सही है? जेसन ऑब्जेक्ट एक एक उठा के मैं कहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, म्यूजियम डॉट कॉम जेसन, इसके कंस्ट्रक्टर में सेंड कर रहा हूँ और ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उस जेसन से ये ऑब्जेक्ट पॉपुलेट कर रहा है, सही है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सिंपल, वेरी सिंपल स्टेप्स। एंड देन उस म्यूजियम लिस्ट जो एक ऑब्जेक्ट बना के म्यूजियम का और उसको ऐड कर रहा है म्यूजियम लिस्ट में, सही है? देन वी आर रिटर्निंग अ म्यूजियम लिस्ट फ्रॉम हियर। नाउ रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन, लेट्स रीस्टार्ट एंड देन वी विल सी द डेटा ओवर हियर। डेटा आ गया है बट डेटा में कोई मसला है, हमने कोई मसला किया है जनाब, अनहैंडल स्पेशल स्ट्रिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटीजर, सही है? हम कहीं पे स्ट्रिंग ले रहे हैं और ओके, सो मसला कहाँ पर है, मसला यहाँ पर है कि जनाब हमने इसको इंटीजर आईडी को इंटीजर लिया हुआ है जबकि डेटा में हमारे पास वो स्ट्रिंग आ रहा है, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है? एंड इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके जनाब, ओके ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया है। अब ये देखें जितना भी डेटा था ना जो बैकएंड से आ रहा है, ये वही सारा डेटा आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, सही है? अब ये देखें इसमें पिथागोरस म्यूजियम भी आ रहा है, क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन डू, वी कैन एड सम डेटा, वी कैन जस्ट रिक्वेस्ट सम डेटा फ्रॉम अ कस्टम बैकएंड, सही है? अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये सारा डेटा हम डिलीट करते हैं, यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप डेटा वहां पर एड करेंगे एंड देन उसको हम फेच करेंगे, सही? सो इसको मैं डाउन टू जीरो कर देता हूँ, इस डेटा को मैं डाउन टू जीरो कर देता हूँ, जीरो कर दिया है उसको मैंने, सही है? अभी हम आते हैं यहाँ पर, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो ये है, कस्टम डेटाबेस एड म्यूजियम का जो सेक्शन है, सही है? सो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हमने सेम काम करना है, सही है? वेट, सो इसको एसेंड कर देंगे, सही? एंड गेट के बजाय हमने क्या कर देना है, पोस्ट, सही है? जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में भी हमने वो एक तो हमने ये मेंशन करना है उसका जो यूआरएल है, पाथ जो है, सही है? सो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पर देख लें, डेटा हमारे पास राइट नाउ नहीं है बट अगर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करना है सो सेम यूआरएल सेम एंड पॉइंट हमें यूज करना है, जस्ट टाइप जो है ना पोस्ट का टाइप चेंज होगा, जो रिक्वेस्ट का टाइप है वो पहले गेट था तो अभी हमारे पास पोस्ट होगा, सो यहाँ पर पोस्ट है, ये हमारे पास एंड पॉइंट एंड देन यहाँ पर हमारे पास हमने क्या देना है, डेटा, सही है? यहाँ पर पोस्टमैन में हमने यहाँ पर बॉडी के सेक्शन में आए थे ना, यहाँ पर हमने कुछ डेटा दिया था, सो ये डेटा भी हमने यहाँ पर देना है। एंड डेटा हमारे पास किस फॉर्मेट में होगा, डेटा आपके पास जेसॉन फॉर्मेट में ही होगा, सही है? तो आपके पास जो म्यूजियम का लिस्ट, एक म्यूजियम का ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसका, उसको जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपने डेटा में देना है यहाँ पर, सही है? तो उसको हमारे पास यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमने ये एक फंक्शन बनाया हुआ है टू जेसॉन का, तो जो डेटा को ऑटोमेटिकली जेसॉन में कन्वर्ट कर रहा है। सो हम क्या कर देंगे, म्यूजियम डॉट टू जेसॉन, टू जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया है एंड देन यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा एंड फॉर एग्जाम्पल इसको हम चेक करते हैं कि एफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड वॉज इक्वल टू 200, सो मतलब रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं म्यूजियम्स, म्यूजियम एडिट, सही है? ओके, सो नाउ जस्ट कमिंग बैक एंड देन रीस्टार्टिंग आवर एप्लीकेशन एंड लेट्स सी इफ वी आर एबल टू पुश सम डेटा फ्रॉम हियर टू द टू दिस रिमोट डेटाबेस। अब देखें यहाँ पर मैंने चेंजेस किए हैं एड म्यूजियम्स को, मैंने यहाँ पर ये जो क्लास है यहाँ पर मैंने चेंजेस किए हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर देख लें अब एड म्यूजियम का जो स्क्रीन है, सही है? अब एड म्यूजियम के स्क्रीन में नीचे जो है ना यहाँ पर मुझे एक भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आना है यहाँ पर जो डेटाबेस सर्विसेज है उसको चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, कस्टम डेटाबेस सर्विसेज। सो दैट्स द मेन रीजन कि हम यहाँ पर ये सर्विसेज क्यों यूज करते हैं, सही है? अब अगर ये मैं नीचे डायरेक्टली यूज करता तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पर आके कोड में चेंजेस करने होते हैं एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड लॉट्स ऑफ
रूम फॉर डिफरेंट मिस्टेक्स, सही है? तो वहां पर मिस्टेक्स के लिए काफी सारा रूम था मिस्टेक्स करने के लिए. सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप सारी चीजों को जो है ना आइसोलेट करें, सही है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न का जो वो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर आप अप्लाई करें, सही है? कि जिसका जिस चीज के साथ काम है सिर्फ उसी के साथ अपना काम रखें, और जिस जहां पर आपका काम नहीं है वहां पर हाथ डालने की जरूरत भी नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी कैन से सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल, सही है? ओके, नाउ डेटा तो सेटिंग तो हमने कर ली यहाँ पर, उसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, एंड देन लेट्स कम ओवर हियर एंड यहाँ से हम एक म्यूजियम ऐड करने की कोशिश करते हैं, सही है? म्यूजियम के स्क्रीन पे हम आ गए हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं पिशावर म्यूजियम, क्योंकि बहुत सारा डेटा मैं वहाँ से डिलीट कर चुका हूँ. एंड नाउ ओवर हियर लेट्स कॉल इट जेल रोड पिशावर एंड लेट्स कॉल इट जस्ट यूआरएल एंड लेट्स ऐड सम डेटा. ओके, सो आई थिंक वहां पे ऐड नहीं हुआ. ऐड म्यूजियम सेक्शन में हम कहां पर थे? कस्टम डेटाबेस, सही है, सही है, आई थिंक ऐड हुआ है म्यूजियम एडिट. हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास म्यूजियम ऐड हुआ है, यानी राइट नाउ वही जीरो है. रीलोड करते हैं इसको, चेक करते हैं. आपके पास एक म्यूजियम ऐड हुआ है, सही है? हम इसको रीलोड किया है, ये देखें पिशावर म्यूजियम का वो ऑब्जेक्ट दिया गया है, सही है? हम एक और म्यूजियम ऐड करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कर देते हैं बनू म्यूजियम. अब बनू म्यूजियम का एड्रेस का मुझे नहीं पता, तो हम यहाँ पर अपने आप से एक एड्रेस दे रहे हैं, जेल रोड बनू एंड जस्ट यू आर, सही है? एंड देन पोस्ट इट. तो यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर ये पोस्ट हो गया है. यहाँ पर हम इस रिक्वेस्ट को भी रिस्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास रिलोड करते हैं. ये देखें आपके पास एक नया म्यूजियम भी एड हो गया है, सही है? डेटा में आके चेक करें, आपके पास एक पिशावर म्यूजियम है, दूसरा आपके पास पनू म्यूजियम है, सही है? यहाँ पर डेटा देखें, अब यहाँ पर आपके पास दो म्यूजियम लोड हुए हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. आई थिंक जो कि हमारे जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसके उससे रिलेटेड कस्टम डेटाबेस से रिलेटेड. So I think, I hope so, okay, they are clear now. If anyone having any question, just come up with your questions. I'm always here to answer these. So questions are most welcome. Yes, exactly. Exactly, we can have our own REST APIs in PHP. और देन उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आप यूज कर सकते हैं. अगर आप लोकल होस्ट रन कर रहे हैं, लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप जस्ट आप लोकल होस्ट का जो मेन यूआरएल है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो आप एग्जैक्टली आपको पता होगा कि वो कैसे होता है. सम लोकल होस्ट एंड देन लेट्स सपोज आप किसी स्पेसिफिक उस पे हैं, स्पेसिफिक एंड पॉइंट पे हैं या स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे हैं, लेट्स सपोज 8080 पे आप हैं. सो आप जस्ट वो एंड पॉइंट यहाँ पर दे दें, साथ में अगर आपने कोई स्पेसिफिक एंड पॉइंट आगे बनाया हुआ है अपने एपीआई का, सो उसको आप यहां से भी कर सकते हैं, लोकल होस्ट पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं अपना एक एपीआई बना के, सही है, पीएचपी में. और अगर आपने एपीआई बनाई हुई है और आपने उसको अपना जो बैकएंड है उसको कहीं सर्वर पे होस्ट किया हुआ है रिमोट सर्वर पे, सो यू कैन डू दैट एज वेल. सो दैट श्योरली पॉसिबल, यस. Okay, if anyone having any question, questions are most welcome and questions are really good to clear your concepts. Okay, it looks like no one having any other question. So, I think yahan par jo contents hai humare paas HTTP requests using DIO and all those things, I think those questions are properly cleared. Now, abhi ek aapke liye ek chota sa test टास्क है जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग करें, कि आपकी प्रैक्टिस भी हो साथ में, सही है? वो मैं पोस्ट भी कर दूंगा. ओके, वो मैं पोस्ट भी कर दूंगा. एंड देन फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप ये एक सिंपल एप्लीकेशन बना सकते हैं, सही है? इसको आप लॉन्च तो नहीं कर सकते कम से कम गूगल प्ले स्टोर पे, क्योंकि अलाउड नहीं है, कोविड से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन अलाउड नहीं है गूगल प्ले स्टोर पे राइट नाउ. सो जिसमें आप ये स्टेट्स वगैरह दिखा सकते हैं, सही है? यहाँ पर ये यूएस है, यूएस के स्टेट्स हैं, सही है, सारे जितने भी हैं
आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक API डॉट एपीफाई के नाम पे एक API मौजूद है जिसको हम जिसमें हमारे पास पाकिस्तान का डेटा मौजूद है, सही है। इस पे आप आएंगे ना, ये सारा हमारे पास मेरा पाकिस्तान का डेटा आ रहा है, आई थिंक ये पाकिस्तान का डेटा है, सही है। API डॉट एपीफाई पे आएंगे, सो यहाँ पर हमारे पास ओके एपीफाई के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वो ये API आपको प्रोवाइड करता है, सही है। तो इसमें आपके पास इन्फेक्टेड, टेस्टेड, रिकवर्ड, डिसीज एंड क्रिटिकल जो कि करंट डेटा है वो आपको प्रोवाइड करता है, सही है। और ये प्लेटफॉर्म डेटा कहाँ से उठा रहा है, covid.government.pk के नाम के का जो मेन वेबसाइट है वहां से ये डेटा उठा के आपको दे रहा है। सो आप ये API यूज कर सकते हैं, और इस API के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस API के थ्रू आप एक छोटा सा कोविड का एप्लीकेशन बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, सही है, जो कि ये वाला है, सही। सो दिस इज अ टास्क आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू अटेम्प्ट, और इसको आप एक प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस कर लें, सही। सो आई होप सो के जो हमारे कंटेंट्स हैं स्पेशली रेस्ट एपीआई से रिलेटेड और कस्टम बैकएंड से रिलेटेड, सो आई होप सो ऑल दोस क्वेश्चंस आर क्लियर, and it looks like we don't have any other topic right now at the moment. So if you have any questions, questions are most welcome.